हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बहुत सारी प्रॉपर्टीज दिखाने के बाद मेरे पास बहुत सारी ऐसी कॉल्स भी आई हैं जहाँ पे हम जो प्रॉपर्टी कंसीडर करते हैं, हम फर्स्ट होम बायर हैं या फिर हम लोग इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई सेकंड होम बनाना चाहते हैं, कोई सेकंड इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे पास बहुत सारी ऐसी क्वेरी आई थी कि आप लोग जो है कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी भी देखना चाहते हो जिसमें आप बिलो 50 लाख में कोई बजट में कंसीडर कर रहे हो। आपके इसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आज जो मैं प्रॉपर्टी लेके आई हूँ, एक अफोर्डेबल प्रॉपर्टी आपके लिए लेके आई हूँ जिसमें आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं आपको सबसे पहले थोड़ी सी चीजें एक्सप्लेन कर देती हूँ। मोस्ट ऑफ द क्लाइंट जो बिलो 50 लाख में कोई बजट को कंसिडर करते हैं प्रॉपर्टी के लिए, उनका मेन मोटिव ये रहता है कि हमें क्लब वाली फैसिलिटी नहीं चाहिए। अगर हमें गेटेड सोसाइटी मिल रही है, उसके अंदर हमें वाटर सीवरेज मिल रहा है, पार्क मिल रहा है, तो हमारे लिए वही सफिशिएंट है। उसके टर्म्स में होता क्या है कि हम क्लब नहीं लेते हैं तो हमारा जो बेसिक मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो भी थोड़ी सी वो रिड्यूस हो जाती है जो हम मंथली पे करते हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपके लिए एक अफोर्डेबल घर लेके मैं एकता एकव ग्रुप से, कैसे हैं आप सब। मेरे पास जो ऑप्शन अवेलेबल है, जो आज मैं आपको दिखाने भी वाली हूँ, एक्चुअल फ्लैट दिखाने वाली हूँ, वो मेरे पास है 3 बेडरूम का फ्लैट है। 3 बेडरूम 2 वॉशरूम के साथ हम ये प्रॉपर्टी आपके लिए लेके आए हैं। साइज की अगर मैं बात करूँ, 120 गज के साइज के ऊपर, प्लॉट साइज के ऊपर मेरे पास ये S+3 में बना हुआ है। नीचे स्टिल्ट में इसके आपको पार्किंग मिलने वाली है, साथ में आपके लिए एक डेडिकेटली स्टोर मिलने वाला है जिसके ऊपर सबका नंबर भी मेंशन होगा, पार्किंग के ऊपर भी सबका नंबर मेंशन होगा, प्लस आपको जो है वो अपना घर मिलने वाला है। तो चलिए ज्यादा वेट नहीं करवाती हूँ, आपके लिए आपके डिमांड पे जो प्रॉपर्टी आपके लिए लेके आई हूँ वो सबसे पहले आपको दिखाती हूं। बताया था ये मेरी जो सोसाइटी है ये गेटेड होने वाली है। पहले सबसे पहले मैं आपको बात दिखा देती हूँ, यहाँ पे आ जाती है मेरी यूटिलिटी शॉप जो गेट से बिल्कुल बाहर आपको मिलने वाली है, वॉक इन डिस्टेंस पे ही रहने वाली है। एंट्री पे ही आपको जो है इन और आउट गेट पे आपको 24/7 जो है वो गार्ड्स अवेलेबल रहने वाले हैं। यहाँ पे आप मेरे पीछे जो देख पा रहे हैं ये यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है मेरा एसटीपी प्लांट, तो सोसाइटी का एसटीपी प्लांट भी है जो आपको यहीं पे मिलने वाला है। मेरी भी ये प्रॉपर्टी जो है वो गेटेड सोसाइटी में है और इसमें आपको जो है ये पार्क की जो फैसिलिटी है वो इनसाइड द सोसाइटी मिल रही है। तो मेरे पीछे आप ये जो ग्रीन पैच देख रहे हैं ये पार्क जो है वो सोसाइटी के अंदर का पार्क है जहाँ पे आपके पेरेंट्स आपके बच्चे शाम को आ सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास छोटे बच्चों के लिए हम लोगों ने जो किड्स प्ले एरिया है वो बिल्कुल यहाँ पे एक सेपरेट जगह पे बनाया हुआ है ताकि बच्चे जो है सेफली यहाँ पे खेल भी पाए। थोड़ा सा मैसी अगर आपको अभी ये वीडियो में दिख रहा होगा क्योंकि ये अंडर कंस्ट्रक्शन में है, डिवेलप हो रहा है। टर्नल रोड्स हैं वो 40 फीट वाइड्स में आपको जो है वो रोड्स मिलने वाली हैं। आपको जो इन आउट के अलावा ये जो अंदर की रोड्स हैं ये भी काफी वाइड मिलने वाली हैं, तो पार्किंग का आपको यहाँ पे कोई इशू नहीं आएगा। वीडियो में देख पा रहे हैं ये आ जाता है मेरा एक्चुअल आउटर एलिवेशन। मेरा एक्चुअल आउटर एलिवेशन दिखाने का पर्पज यही है कि आपका घर बाहर से कैसा दिखने वाला है वो आपको पहले से ही पता हो। ये आ जाती है मेरी इंटरनल रोड्स। मेरी इंटरनल रोड्स में पहले भी बताया था काफी वाइड आपको जो है वो इंटरनल रोड्स मिल रही हैं, 2 से 3 गाड़ियां जो हैं वो इस पे इजीली मूव कर पाएंगी। उसके अलावा मेरे पास यहाँ पे सीवरेज वाटर पाइपलाइन के अलावा वाटर लॉगिंग ना हो इसके लिए हमारे पास रेन वाटर बताया था। ये स्टिल्ट प्लस 3 का कंसेप्ट है। तो अभी जिस एरिया में मैं खड़ी हूँ ये मेरा आ जाता है स्टिल्ट का एरिया। यहाँ पे आपके स्टिल्ट में एक चीज का बेनिफिट आपको रहेगा, ये बोथ साइड से आपको स्टिल्ट जो है वो ओपन रहती है। सो अगर 3 के अलावा भी यहाँ पे गाड़ियां खड़ी होती हैं तो किसी को ऐसा नहीं लगेगा कि किसी की गाड़ी किसी के पीछे जो है वो दब रही है और निकालने के लिए दूसरे को बुलाना पड़ेगा। इसके अलावा मैंने आपको जो पहले एक्सप्लेन किया था यहाँ पे सबको जो है वो डेडिकेटली स्टोर मिल रहे हैं, तो 6 स्टोर 6 फ्लोर्स के हिसाब से आपको इस साइड मिल जाएंगे और 6 स्टोर 6 फ्लोर्स के हिसाब के जो है वो आपको दूसरी साइड मिल जाएंगे। तो सबको अपना अपना जो है वो डेडिकेटली स्टोर मिलने वाला है। फ्लैट की तरफ तो यहाँ से जब हम एंट्री ले रहे हैं ये वाइड आपको जो है प्रॉपर आपको जो है लाइट के साथ, अगर यहाँ पे लाइट नहीं भी है तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ये आ रहा है आपका स्टेयरकेस। तो जल्दी से चलते हैं अपने फ्लैट की तरफ। यहाँ से स्टेयर से हम लोग एंटर होने वाले हैं अपने फ्लैट की तरफ। मेरे पास यहाँ पे जो ऑप्शन है, एक फ्लोर पे आपको 2 ही फ्लैट मिल रहे हैं। ये पूरा फ्लैट उस साइड पे रहता है, ये पूरा फ्लैट जो है आपका इस साइड पे रहता है।
चलिए जल्दी से चलते हैं फ्लैट मेरे के। उन व्यूअर्स के लिए लेके आई हूँ या उन क्लाइंट्स के लिए आप बोल सकते हैं कि लेके आई हूँ जो अपने लिए या तो पहला घर देखते हैं कि ये हमारा पहला घर होना चाहिए, बिलो 50 लाख होना चाहिए, लोन मिल जाना चाहिए, तो उनको अपना एक छोटा सा घर बनाने का सपना देख रहे होते हैं, या फिर वो क्लाइंट्स जो बाहर से होते हैं, पंजाब हरियाणा हिमाचल साइड से हैं, और उन्हें ये है कि मुझे बिलो 50 के अंदर अंदर एक सेकेंड होम लेना है फॉर इन्वेस्टमेंट, आइदर फॉर इन्वेस्टमेंट और या वो ये सोच के लेते हैं कि कल को अगर मेरे बच्चे इस साइड ट्राई सिटी के साइड कोई स्टडी के लिए आना चाहते हैं तो मैं अभी से लिए उनके लिए घर लेके रख सकता हूँ। तो दोनों ऑप्शंस, चाहे आप एंड यूजर हैं अपने लिए पहला घर प्लान कर रहे हैं, चाहे आप इन्वेस्टर हैं अपने लिए कोई रेंटल इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से बिलो 50 में कोई प्रॉपर्टी देख रहे हैं, तो ये मेरी प्रॉपर्टी उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। मैं आपको प्रॉपर्टी दिखाने वाली हूँ, ये मेरी प्रॉपर्टी, मैं आपको एक्चुअल फ्लैट दिखाने वाली हूँ, और कोशिश मेरी यही होती है हमेशा कि मैं आपको एक्चुअल फ्लैट, एक्चुअल साइट, एक्चुअल सारी चीजें दिखाऊं। तो थोड़ा सा मैसी है, आप प्लीज उसको जरूर इग्नोर करिएगा, फाइनल पेंट का इसमें काम जो है वो चल रहा है, लेकिन एक्चुअल दिखाने का मोटिव यही होता है कि आपको उसमें क्लैरिटी हो सके, आपको ये डाउट ना रहे मुझे कौन सी चीज साथ में मिल रही है और मेरी कौन सा काम है जो ऐसा नहीं हो पा रहा है। ये देख रहे हैं आप मेरा ड्रॉइंग एरिया, यहाँ पे आप अपना जो है सोफा अच्छे से इंस्टॉल कर सकते हैं, डाइनिंग के लिए आपको एक्स्ट्रा से स्पेस मिल रही है, बिल्कुल किचन के सामने आपके पास स्पेस रहेगी। यहाँ पे इस रूम में अगर हम देखें, ड्राइंग रूम में स्पेशली देखें, ये वॉल जो आपको मिल रही है यहाँ पे जो है वो आप अपना एलईडी पैनल बना सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट, स्टोरेज के लिए भी आपके पास यहाँ पे स्पेस आती है। इतने कम बजट के अंदर भी आपको जो फॉल सीलिंग आप ऊपर देख पा रहे हैं वो एज इट इज मिलने वाली है, लाइट्स का प्रोविजन एज इट इज ही रहने वाला है, एक्चुअल चीज देख रहे हैं, एक्चुअल साइज देख रहे हैं और एक्चुअल सारी चीजें मैं आपको जो है वो दिखाने वाली हूं। बिल्कुल सामने ये जो एरिया जहां पे अभी मैं खड़ी हूँ ये आ जाता है मेरा डाइनिंग एरिया, तो यहाँ पे आप अपना जो है वो डाइनिंग इंस्टॉल कर सकते हैं। ये घर जो है वो या तो छोटी फैमिलीज के लिए आप कंसिडर कर सकते हैं, आप हस्बैंड वाइफ बच्चे हैं तो ये उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट स्पेस वाइज रहेगा। यहाँ पे आपको एक छोटी सी स्पेस हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें आप चाहे तो अपना मंदिर इंस्टॉल कर सकते हैं, आप चाहे तो क्रॉकरी कैबिनेट भी यहां पे बना सकते हैं। मेरी जो किचन आ जाती है इस पर्टिकुलर फ्लोर की अगर मैं बात करूं, मेरी जो किचन आ जाती है वो मेरे डाई ड्राइनिंग से बिल्कुल सेपरेट है, तो घर में किचन मैसी भी है तो आपके गेस्ट को वो पता नहीं लगने वाला है। किचन में आप स्पेस देख पा रहे हैं, 3 बेडरूम 120 गज में भी आपको जो है बहुत अच्छी स्पेस मिलके आ रही है। कैबिनेट्स जितने भी आपको, जो भी आपको कैबिनेट्स मिल रहे हैं सॉफ्ट क्लोजर के साथ आपको जो मिल रहे हैं ब्रांडेड फिटिंग के साथ। इसके अलावा वेंटिलेशन की मैं बात करूं किचन में, वेंटिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको यहां पे विंडो मिल रही है, ओपनेबल विंडो ये है और साथ में मैश विंडो भी बिल्डर की तरफ से आपको लगा के दी जा रही है। पर्टिकुलर किचन में अगर मैं बात करूं, ये चिमनी जो है वो आपको एज इट इज जो है बिल्डर की तरफ से ही इंस्टॉल करके दी जाएगी। कैबिनेट्स की अगर मैं बात करूं, एल शेप के किचन के अलावा मेरे पास स्टोरेज के लिए यहाँ पे आपको कैबिनेट मिलता है, यहाँ आप अपना माइक्रोवेव लगा सकते हैं, नीचे ऊपर नीचे आपको जो है वो प्रॉपर कैबिनेट्स मिल रहे हैं, स्टोरेज वाइज आपको किचन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इसकी स्पेस के लिए भी हम लोग आपको यहीं पे स्पेस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ में इलेक्ट्रिक पॉइंट भी यहीं पे आपका अवेलेबल है, आपका फ्रिज इधर ड्राई डाइनिंग में इधर उधर नहीं जाएगा, वो आपके किचन के बिल्कुल साथ में ही रहने वाला है। प्रॉपर्टी है 3 बेडरूम 2 वॉशरूम के साथ आ रही है, तो मेरा जो एक वॉशरूम है, जो मतलब फर्स्ट वॉशरूम मेरा है, वो मेरा कॉमन वॉशरूम भी रहेगा और मेरे फर्स्ट रूम को, फर्स्ट बेडरूम को जो भी है वो असिस्ट करने वाला है। वॉशरूम में भी मैं बात करूं, आपको रूफ टॉप तक जो है फुल टाइल्स आपको मिलने वाली है, प्रीमियम आपको जो है इसमें बाथ फिटिंग्स मिलने वाली है, और यहीं से हम एंटर हो जाते हैं हमारे फर्स्ट बेडरूम की तरफ। ये जो फर्स्ट बेडरूम आ जाता है इसमें भी अगर मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी, फॉल सीलिंग आपको एज इट इज मिलने वाली है जो आप अभी देख रहे हैं, लाइट्स आपको ऑन दिख रही हैं। इसमें कैबिनेट्स जो है वो आपको, स्लाइडिंग कैबिनेट्स आपको जो है इसमें मिल रही हैं और ऊपर रूफ टॉप तक जो है वो आपको स्टोरेज के लिए स्पेस मिल रही है।
यहाँ से एक डोर जो है वो मेरी रेयर बालकनी की तरफ जाता है, और मैं यहीं पे आपको एक चीज और भी बताना चाहती हूँ, मेरे जितने भी आउटर डोर्स हैं उन सब में आपको मैश डोर का प्रोविजन जो है वो बिल्डर की तरफ से ऑलरेडी करके दिया जाने वाला है। तो आपका एक वो छोटा मोटा काम जो आप सोचते हैं वो भी आपको बिल्डर की तरफ से करके दिया जा जाते हैं। हम अपनी रेयर बालकनी की तरफ, मेरी रेयर बालकनी में आपको वॉशिंग का स्पेस मिलने वाला है, उसके अलावा गीजर के पॉइंट्स जो है वॉशरूम के वो हम लोगों ने बाहर आपको जो है इलेक्ट्रिक पॉइंट्स बाहर दिए हुए हैं, आप अपना गीजर जो है यहीं इंस्टॉल कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट बेडरूम की तरफ और हमारे सेकंड बेडरूम की तरफ। तो यहां से एंट्री ले रहे हैं हम अपने सेकंड बेडरूम की तरफ। मेरा जो सेकंड बेडरूम है उसमें भी सबसे पहले मैं आपको फॉल सीलिंग दिखाना चाहूंगी, क्योंकि ये थोड़ा मास्टर बेडरूम की लुक है, तो मास्टर बेडरूम के हिसाब से हम लोगों ने फॉल सीलिंग में डिजाइन भी जो है वो थोड़ा डिफरेंट करके दिया है। स्लाइडिंग डोर्स के साथ आपको वार्डरोब्स तो इसमें भी मिल रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने जो एक एक्स्ट्रा चीज ऐड की है वो हम लोगों ने की है इसमें ड्रेसिंग एरिया। ये ड्रेसिंग एरिया आपको एज इट इज हर फ्लोर पे मिलने वाला है। स्पेस के बाद ये आ जाता है मेरे सेकंड रूम का सेकंड वॉशरूम, जो कि मेरा अटैच रहने वाला है, मेरे सेकंड रूम के साथ ये अटैच रहेगा। इसमें भी जो आप टाइल वर्क देख रहे हैं ये सेम टाइल वर्क आपको हर फ्लैट में यहाँ पे मिलने वाला है। वेंटिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे भी हम लोगों ने प्रॉपर यहाँ पे डोर भी आपको दिया है और मैश डोर भी दिया है जो कि ओपनेबल रहने वाला है। जितने भी रूम्स हैं वहां पे आपको वेंटिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। चलते हैं अपने थर्ड रूम की तरफ। मेरा जो थर्ड रूम है, बेसिकली आप इसको किड्स रूम भी बना सकते हैं। वो क्यों बना सकते हैं मैं आपको अभी दिखाती हूँ। इसको आप गेस्ट रूम भी बना सकते हैं। सबसे बड़ी बात आती है किड्स रूम में हमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है स्टडी टेबल, हमें चाहिए होता है कि बच्चे को शोर ना आए, बच्चा डिफरेंट वे से हाँ अलग बैठ के पढ़ सके। तो ये आपको रूम जो है वो बाकी दोनों रूम से थोड़ा ऑपोजिट डायरेक्शन में मिलता है, ताकि बच्चे को स्टडी के टाइम डिस्ट्रैक्शन नहीं हो। इसमें स्पेस को यूटिलाइज अच्छे से करने के लिए हमने आपको दोनों साइड जो है वो डबल कैबिनेट्स दी है, ताकि क्योंकि जैसे बच्चों का काम रहता है, बच्चों के बैग्स रहते हैं, तो उस हिसाब से स्टोरेज को आप थोड़ा और बढ़ा भी सकते हो। यहाँ भी कैबिनेट आप अपनी मर्जी से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज कर सकते हो। फॉल सीलिंग हम इसमें भी जो है वो आपको एज इट इज ही करके दे पा रहे हैं, और इसमें भी जो है आपको यूपीवीसी डोर विद टफन ग्लास मिलने वाला है। और ये आ जाती है मेरी फ्रंट बालकनी रहेगी, जो फ्रंट साइड पे रहेगी, जो रोड साइड पे रहेंगी, उसमें हम लोग जो है वो आपको ग्लास बालकनी आपको जो है बना के दे पा रहे हैं। आउटर साइड पे आपको एलिवेशन पार्ट की तरह हम लोग यहाँ पे आपको प्रॉपर जो है वो टाइल वर्क करके दे रहे हैं। ये हमारा एलिवेशन का पार्ट है, जिससे आपका जो फ्लैट है, आपका जो घर है, वो बाहर से जो लुक आती है वो बहुत ही अच्छी लगती है। सो मैं एकता एकम ग्रुप से आपको ये बताना चाहूंगी, मेरी ये जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे मेरे पास 120 गज में 3 बेडरूम 2 वॉशरूम का कंसेप्ट है। बजट मैंने आपको बता दिया, बिलो 50 लाख में अगर आप कोई प्रॉपर्टी कंसीडर कर रहे हैं, अपने रहने के लिए कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, तो दोनों के हिसाब से आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। इसका कंसेप्ट रहेगा S+3 में मेरे पास ये फ्लैट रहेंगे। सबसे बड़ी बात है कि इसमें मेरे पास इन्वेंट्री जो है वो बहुत ही कम बची है, ऑलरेडी फैमिलीज इसमें रह रही हैं, प्रॉपर्टी ये बिल्कुल रेडी टू मूव है। आप साथ के साथ इसको लेके रजिस्ट्री साथ के साथ करवा के शिफ्ट भी हो सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आप इसको रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं, तो मेरे यहाँ पे अभी जो रेंटल वैल्यू चल रही है वो 12,000 से 15,000 रुपये आपको जो है वो मिनिमम आपको रेंटल यहाँ पे एक्सपेक्ट रहता है नॉन फर्निश का। अगर आप थोड़ा उसे फर्निश करवा देते हैं तो रेंटल वैल्यू जो है वो थोड़ी बढ़ जाती है। इसके अलावा ये गेटेड सोसाइटी है, सबसे बड़ी बात है जो हमारा पॉइंट रहता है अपनी फैमिली की सेफ्टी सिक्योरिटी, ये गेटेड सोसाइटी है। तो अगर कभी जैसे मैंने आपको बताया कि आप कोई सेकंड होम के लिए प्लान करते हैं, कुछ 2-3 महीनों के लिए आप बाहर भी जाते हैं, तो भी आपको इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपका घर आपका सामान बिल्कुल सेफ रहने वाला है। वाटर पाइपलाइन का काम इसमें बिल्डर की तरफ से बिल्कुल कंप्लीट है, मैंने आपको बताया फैमिलीज ऑलरेडी इसमें रह रही हैं, गेटेड सोसाइटी है। अगर मैं मेंटेनेंस की भी आपको थोड़ा सा बताऊं, तो मेंटेनेंस में इसमें 1000 रुपीस के आसपास आपकी मेंटेनेंस रहती है, जिसमें आपका वाटर का और सीवरेज का बिल जो है वो उसमें इंक्लूड रहता है।
मेरे वो क्लाइंट जो दिल्ली गुड़गांव साइड से, जो पंजाब हरियाणा साइड से कोई सेकंड होम के लिए, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कोई प्रॉपर्टी कंसीडर करना चाहते हैं, तो ये प्रॉपर्टी आप अपनी लिस्ट में ज़रूर ऐड कीजिए। बहुत ही नीट एंड क्लीन प्रॉपर्टी ये बनी हुई है, पटियाला रोड से बिल्कुल कनेक्टेड रोड पर है, ये बिल्कुल आपको हाईवे से कनेक्टेड मिलने वाली है। मोहाली के जो क्लाइंट रेंटल के लिए प्रॉपर्टी कंसीडर करते हैं, वहाँ पर उनको इस बजट के अंदर गेटेड में कोई रेंटल ऑप्शन मिलती नहीं है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से रेंटल इनकम के लिए भी ये बहुत ही अच्छी आपके पास ऑप्शन रहने वाली है। इसमें मेरे पास S+3 मैंने आपको बताया लो राइज है, तो कुछ ऑप्शंस मेरे पास टॉप फ्लोर की भी हैं, जिसमें आपको जो है वो रूफ राइट का असेस मिलता है, तो वो अगर आप प्रॉपर्टी कंसीडर करना करते हैं, टॉप फ्लोर ही लेना चाहते हैं, तो इस प्रॉपर्टी को प्लान करिए, जल्दी से जल्दी विजिट करने का प्लान करिए। एकम ग्रुप आपको इन्वाइट करता है कि प्रॉपर्टी लेनी है बिलो 50 लाख लेनी है, पहला घर है या इन्वेस्टमेंट है, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इस प्रॉपर्टी को विजिट करने के लिए जल्दी से जल्दी प्लान कीजिए। थैंक यू सो मच।